नगर से हूँ। मैंने अपनी बेटी की शादी स्वरूप शेखर मारुति इंडिया में जो काम करते हैं लिमिटेड में, स्वरूप शेखर चंद्रशेखर झा बिलासपुर के रहने वाले हैं लेकिन यहाँ गुड़गांव में वो जॉब करते हैं, तो स्वरूप शेखर गुड़गांव में जॉब करते हैं। वो शादी के बाद से ही मेरी बेटी को इतना परेशान करता है, चाकू से इसके ऊपर हमला किया है, उसके बाद मारा पीटा तो अनगनत मारा, वो बेहोश हो गई है, कई बार हॉस्पिटलाइज किए हैं इसको। इसके साथ शादी इन्होंने किया ही है साजिश के तहत, शादी में ही इसका जेवर वगैरह सब रख ली। बाद में फरवरी में यहाँ आके इतना टॉर्चर की फ्लैट बुक करो, फ्लैट हम लोग पहले ही बोले थे कि उतना हम लोग समर्थवान नहीं है, लेकिन शादी में मेरा खर्चा हुआ 40 से 50 लाख और हर चीज उन लोगों को पॉकेट में पैसा दिए तो उन लोग मेरे घर आके शादी किए, कुछ भी उन लोग नहीं किया। और उसके बाद खाली टॉर्चर, पैसा दो, यहाँ से जाओ भागो अपने बाप के घर जाओ, गंदा गंदा गाली देता है, हमको गाली देता है, इसके पापा को, इसके भाई को, इसके भाई पर इसके ससुर गला चीटते मारने का कोशिश किए। मेरे पास हर सबूत है, जितना मांगिएगा उतना सारा सबूत हम देंगे। अच्छा, इतना इतना सब टॉर्चर करने के बाद अब आपका फाइनल विचार क्या है, आप क्या चाहते हैं? उसको सजा हो, जो मेरी बेटी के साथ किया है ना, वो दूसरी लड़की लोगों के साथ वो ना कर सके, उसको सजा है, बस इतना चाहते, इंसाफ चाहते हैं हम। इंसाफ चाहते हैं। मेरा नाम स्नेहा झा है, मेरा शादी 25 नवंबर को हुआ था, 25 नवंबर 2022 को हुआ है। मेरे पति का नाम स्वरूप शेखर, जो कि मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड उद्योग बिहार गुड़गांव में काम करते हैं, सेक्टर 18 में। शादी के 25 दिन के बाद से ही वो मेरे पे टॉर्चर, अत्याचार, अलग अलग तरह से मेरे को प्रताड़ित करते थे। वो बोलते थे कि अपने घर जाओ, अपने घर से 40 लाख रुपये लेकर आओ और मेरा कोई फ्लैट बुक करके दो, अलग अलग तरह से। और मेरा सारा सैलरी को कैश में करके वो मेरे से ले लेते थे। मेरे को, मेरे भाई को गला दबाकर मारने का कोशिश की है मेरे पास, और हम अनगिनत टाइम बेहोश हो जाते थे घर पे, अनकॉन्शियस हो जाते थे, वो चल जाते थे, उनको कोई मतलब नहीं था मेरे से। जब मेरा सिचुएशन अनकॉन्शियस का हो गया तो एक दो बार हम पुलिस का मदद भी लिए थे और उसके बाद हमको हॉस्पिटल में एडमिट भी किया गया, बट कुछ नहीं हुआ। ये सारा कुछ एक प्लानिंग के तहत मेरे से शादी किया गया, क्योंकि शादी के 25 दिन पहले 5 अक्टूबर 2022 को उसकी बहन, छोटी मतलब दो बहन है उनको, बड़ी बहन का नाम निमिषा झा है, बट छोटी बहन का नाम मनीषा झा है। मनीषा झा का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है मेरे शादी में। मनीषा झा अपने भाई को एक मैसेज करती है कि शादी करनी है, बस ज़्यादा स्टिफ नहीं होना है और एक स्ट्रैटेजी बना लेना, जिस तरह से मेरे को टॉर्चर करने का उसको एडवाइस दिया जाता है, एक तरफ झटका देना, दूसरी तरफ प्यार और मल्लम पट्टी। तो सेम वो मेरे साथ करता था, मेरे को सुबह में वो टॉर्चर करता था, सेकंड हाफ मेरे लिए वो खाना ऑर्डर करता था, उसका भी पैसा वो मेरे से किसी ना किसी तरह से निकलवा लेता था और मेरे को वो किसी तरह से भी कहीं का नहीं छोड़ा। मेरा आज ये तो मेरे साथ वो 7 तारीख को मारपीट, मेरे को जलाकर भागने का कोशिश किया और भाग गया अपना सारा सामान लेकर, उसमें मेरा भी कुछ सामान था वो भी वो लेकर चल गया है। और रेस्ट, अभी का जो सिचुएशन है मेरा, कहीं कोई कंप्लेन रजिस्टर नहीं हो रहा था। अभी फाइनली एक वीक के बाद कुछ हेल्प के दौरान मेरा CAW सेल में कंप्लेन रजिस्टर हुआ। शादी के कितने टाइम बाद आपको डाउट हुआ, जो आपने शादी के 25 दिन के बाद से ही, शादी के 5 दिन के बाद से ही, जब मैं हनीमून पर गई थी उस समय से ही उसका नेचर बदला सा लग रहा था। शादी के पहले वो मेरे से कंटिन्यूसली एक डे में 24 घंटा में से 200 टाइम्स कॉन्टैक्ट करता था, मैसेज कॉल कंटिन्यूस हम लोग कॉन्टैक्ट में रहते थे। शादी के बाद वो मेरे से कांटेक्ट ही खत्म करने लगा, मेरे से बातचीत कम, हम मेरे बात पर झुंझला जाना, तो मेरे को ये डाउट क्रिएट करने लगा कि क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है। तो मेरे को ऐसा लगा कि इसका फोन पर, इसका कोई एक्स्ट्रा मैटल अफेयर तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्यों? तब जाके मैं, उसका कुछ गड़बड़ तो नहीं निकला, बट उसकी बहन का ये मैसेज मेरे को दिखा कि उसकी बहन उसको ये सजेशन दे रही है। उसके मदर फादर से जब हम लोग कॉन्टैक्ट करने का कोशिश किए, इवन हम जब उनसे बात करें, कोई रिजोल्यूशन नहीं निकला। सबको बस एक ही चीज चाहिए, ये शादी नहीं चलाना। जब शादी नहीं चलाना था तो मेरे से शादी क्यों किया? क्या क्या आपको क्लू और सबूत मिले जिससे आपको धीरे धीरे करके ये एहसास होने लग गया कि मेरे शादी में गलत हो रहा है और मैं इस तरीके से मतलब एक अंधेरे वाले रास्ते पे जा रहा हूँ? मतलब ऐसे तुमको कैसे पता लग सकता है, मतलब कुछ सबूत ऐसे जो आपके पास हैं और जिनको आप आगे फेस करना चाहें? शादी के 25 दिन के बाद, शादी के 4 दिन जब कोई आदमी हनीमून पे जाता है तो वो एक अलग मूड पर जाता है, खुशी। हनीमून पर किसी का मूड खराब होना, मेरे को छोड़ देना, मैं ही उसके पास हमेशा आती थी कि बातचीत की,
उसको मेरे से बात करने में भी इंटरेस्ट नहीं था। शादी के तुरंत बाद ही उसका इस तरह से बदलाव देखना मेरे को एक कहीं ना कहीं आशंका क्रिएट किया कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। फिर उसके फैमिली का या फिर उसका फोन मैसेज आ जाना या किसी का भी इन्वॉल्वमेंट के बाद वो मेरे पे एकदम जोर से चीख जाना, सुबह 9 बजे ऑफिस के लिए निकल जाना और रात 10 बजे ऑफिस से रिटर्न आना। उस दौरान अगर मेरा कॉल उसको चल जाए तो मेरे पे चिढ़ जाना कि हम काम करते हैं, हमको डिस्टर्ब मत करो। मैं भी काम करती हूँ पर मेरे लिए उनके पास उसके लिए हमेशा टाइम था। पास कोई ऐसा ग्लू है जो उन्होंने आपको तारीफ करते हुए या फिर चिल्लाते हुए या गालियां देते हुए कुछ वीडियो से? मेरे पास ऑडियो है, मेरे पास मेरे मेरे बॉडी पे मार्क लगा हुआ वीडियोस है जिसमें मेरे पे बहुत ज्यादा ब्लू ब्लैक मार्क है मेरे बॉडी का। दूसरी बात, मेरे भाई का गला दबाते हुआ वीडियो है जिसमें मेरे ससुर मेरे भाई को गला दबा के मारने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वो हम पर टॉर्चर, हम पे प्रेशर बना पाए, हमसे कुछ पैसा निकलवा पाए। उनको बस मेरे से एक फ्लैट चाहिए, एक गाड़ी चाहिए। अभी 2 महीना पहले भी मेरे को कार के लिए परेशान कर रहे थे। अभी राखी के पहले जब हम अपने जबरदस्ती उसकी मम्मी पापा 3 अगस्त को मेरे घर आते हैं, मैं द्वारका में रहती हूँ, घर आते हैं तो उनके मदर फादर वो तीनों मिलकर मेरे को बहुत टॉर्चर करते और उस दिन मेरे को फाइनल धमकी देते कि अगर अब तुम पैसा लेकर नहीं आई तो अब तुम गई। एंड लास्ट ही लेफ्ट दी हाउस, वो खुद से घर से भाग गया, सारा सामान ऑलमोस्ट 5 से 10 बैग्स लेके गया। मेरे पास वीडियो है, हम चीखते चिल्लाते रह गए कि मत जाओ, मेरे को गर्म पानी फेंक कर मेरा जान लेने का कोशिश किया और फिर वो घर से। क्या आपकी कुछ कीमती सामान या कुछ कैश लेके भागे हैं? मेरे को मेरा सारा ज्वेलरी जो मेरे शादी में चढ़ा है मेरे मायके साइड से और ससुराल सब मेरे सास के पास अनुमानित 5-10 लाख का तो होगा, 10 लाख का ऊपर कैश वही 50,000 के करीब। जो भी आपका, हाँ क्या चाहते हैं? मैं बस इतना चाहती हूँ कि जो मेरे साथ वो किया है आगे वो चलते किसी दूसरी लड़की के साथ ऐसा ना करे और इस गलत काम से उसके पनिशमेंट जरूर मिले। ये मेरा ये रिक्वेस्ट है कि मेरे को न्याय मिलना चाहिए। किसी लड़की का जिंदगी बर्बाद करना का हक किसी दुनिया में किसी का नहीं है। अगर उसको परेशानी था या उसका कुछ अपना, उसको शादी नहीं करना था, एक प्लानिंग के तहत मेरी जिंदगी बर्बाद उसको। दिनेश कुमार झा, जमशेदपुर का निवासी हूँ। मैं अपनी बेटी स्नेहा का शादी बिलासपुर के चंद्रशेखर झा के यहाँ किया था। शादी के समय में उन्होंने मेरी, हमने जो कहा एक मैनिपुलेटेड करके उन्होंने सब शादी किया और एक शरीयत के तरह मेरे बच्चे को 25 दिन के बाद से ही प्रताड़ित करना स्टार्ट कर दी। वो दहेज मांग रहे हैं, उनका कहना है कि 40,000 रुपये लेके आओ और 40,000 रुपये नहीं लेके आओगे तुम घर में नहीं रह सकती हो। इसके एवज में कभी उनको मारते हैं, कभी पीटते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं, मुझे देते हैं, मेरी पत्नी होती है, मेरे बेटा को देते हैं। ऐसी स्थिति आ गया कि आज 7 तारीख को भी, जो इस महीने के 7 तारीख को घर छोड़ के बेटी के ऊपर में गर्म पानी फेंक के और घर छोड़ के भाग गया और बहुत सारा पैकेजिंग किया, जो मतलब कि एक षड्यंत्र के तरह वो सब काम किया और पूरा छोड़ के भाग गया। उसके बाद हमने फोन किया, मेरा फोन नहीं उठा, कॉन्टेक्ट नहीं किया। फिर हम जब हम लोग को मालूम चला कि वो उसका रेंट एग्रीमेंट जो उस घर का खत्म हो गया है, 3 दिन के बाद आता है अपने बाप और बेटे के साथ में रिकॉर्डिंग करते हुए और बोलता है कि तुम घर खाली करो। अब हम 2 दिन में घर खाली करके कहाँ गए? एनी हाउ किसी तरह दूसरे का हेल्प लेके हमको 5 दिन का समय मिला और कल हमने अपना घर खाली किया वहां से। और इस बीच में जो इस 1.5 साल के दौरान मेरी बेटी को खाली प्रताड़ित मारना पीटना और गंदी गंदी बात जो हम नॉर्मल आदमी नहीं कर सकते, मुझे मेरे परिवार को गंदी गंदी बात बोलता, तो मैं बहुत से भी। अच्छा सर, एक जानकारी लेना चाहेंगे, शादी 25 नवंबर 2022 को हुई थी। 2022 सर, वो शादी के क्या वो मतलब नहीं नहीं अरेंज मैरिज थी और सब कुछ मैं ही किया था उनके, मैं ही किया था। उनके पिता जो बोले थे, उनकी माँ से बात हुई थी, लड़के से बात हुई थी, सब कहा कि हाँ हाँ हम लोग तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमको दहेज नहीं चाहिए। बट शादी के 20 से 25 दिन के बाद से ही उनको दहेज का प्रताड़ना, उसको पीटना मारना, क्यों कि दहेज चाहिए मुझे। सर क्या मतलब शादी के दौरान जब शादी की बात हुई थी, सनातन धर्म को लेकर के शादी हुई है जी और पूरी परंपरा है उसके अनुसार शादी हुई, तो क्या सर उस टाइम पे दहेज वगैरह की कोई बात आपसे नहीं हुई, जैसे कि आपने बोला शादी को लेकर इस तरह कोई डील नहीं है कि मुझे मैं दहेज दूंगा, पर जो भी तो एक सनातन धर्म में एक बाप का फर्ज होता है बेटी को देना है, वो सब मैंने दिया। एक 4 लाख का चेक भी दिया था इसको,
क्योंकि जो कैश में मतलब फेंक दिया था, पर कैश बेटी को दिया था, बेटी को कैश के द्वारा सब खर्चा किया जी, मतलब अपने हिसाब से आपने शादी मतलब धूमधाम देखी, बहुत धूमधाम से, करीब 40 से 50 लाख रुपए में शादी में खर्चा किया। जैसे कि सर उनकी डिमांड शादी के 30 के बाद डिमांड आने स्टार्ट हो गई, मुझे 40 लाख रुपए दो, और इस तरीके जैसे कि आपने बताया है, तो वो डिमांड सर देखते हुए ऐसे लग रहा है कि कुछ पहले कुछ डीलिंग हुई हो इस तरीके से कुछ नहीं। एक मैसेज मिला इस द्वार मेरे को, इस मैसेज में लिखा हुआ है, मैसेज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। उस मैसेज में बोलती है उसकी बहन, छोटी बहन है, मतलब लड़के की बड़ी बहन है और दो बहन है उसकी, ठीक है। तो वो बोलती है कि शादी तो करना ही है, बस स्ट्रेटजी बना के रखो, कुछ खुद को सेफ रखो करने के लिए, ज्यादा स्टिप मत होना, एक तरफ झटका देना, दूसरी तरफ प्यार करना, महलम पट्टी करना। ये बात मैं उनके फादर से बात किया, उनके जितने रिलेटिव है सबको बताया कि शादी, ये मैसेज तो मैं तो कर दूंगा, लेकिन सर ये मैसेज तो था, ये किस डेट का है, ये शादी के पहले की है, शादी के पहले का है। हाँ, तो सर क्या मतलब पूरे परिवार की पूरी समझी एक प्लानिंग थी, और कह सकते हैं कि एक रणनीति बनाकर के, और एक लड़की थी और एक महिला की जिंदगी बर्बाद कर जी। मैं यही बोलना चाह रहा है कि इन्होंने एक षड्यंत्र की तरह शादी किया। शादी करने के बाद नॉर्मल आदमी क्या करता है, घर को बसाता है, जैसे मेरी बेटी बसाना चाह रही है, बार बार इतना प्रताड़न के बाद भी उसके घर में जाकर रह रही है, रह के रहना चाह रही है, बट वो हमेशा बोलता है तुम घर छोड़ के जाओ, तुम घर छोड़ के जाओ। इतना हो गया कि हमको बोलता है कि अपने बेटी को उठाओ लेके चले जाओ। इस तरह का परिस्थिति हर एक दिन, मतलब ये 1.5 साल में जो हम लोग बिताए हैं, हम लोग प्रत्येक दिन हमेशा डर में रहे कि अब बेटी क्या फोन करेगी, क्योंकि हमेशा उसको प्रताड़ित करता है, कभी गाली देता है, कभी मारता है, पीटता है, इस तरह की हरकतें हो हमेशा करते रहता है। तो एक षड्यंत्र तरह काम किया और लास्ट में क्या किया, घर छोड़ के खुद भाग गया। कहाँ वर्किंग है वो? मारुति उद्योग में काम करता है, गुड़गांव में, गुड़गांव मारुति उद्योग में काम करता है, और रहता था पहले गुड़गांव में। शादी जब हुई थी उसमें वो स्वरूप शेखर नाम है उसका, लड़के का प्लांट में भी वर्किंग है। और क्या वो R&D में है, वो डिप्टी मैनेजर है, और जब शादी किया था उसमें गुड़गांव में रहता था, गुड़गांव में रहता था, बेटी भी जब आई तो गुड़गांव में आई थी। उतना प्रताड़ित किया, प्रताड़ना के बाद वो बेटे को प्रताड़ित करने के लिए गुड़गांव छोड़ के द्वारका आ गया, जो कि मेरी बेटी का जॉब बहुत दूर डिस्टेंस लिया था आने जाने। तो इस तरह से वो खाली प्रताड़ित ही कर रहा है और षड्यंत्र की तरह ही काम कर रहा है, और ऐसा परिस्थिति आ गया कि इसको सुबह सुबह गर्म पानी के ऊपर छीटा, गर्म पानी के ऊपर छीटा और अपने ऊपर छीटा, बोलता मैं तुमको फंसा दूंगा, और आराम से पूरा बैग पैक किया, बैठा उसके बाद अपना कैब बुक किया, और बैग वहाँ चले गया पता नहीं, मैंने फोन से कॉन्टेक्ट करने को किया, कोई कॉन्टेक्ट नहीं। आपकी कंपनी जहाँ है, जब मैं पुलिस में इसका गुमशुदा का रिपोर्ट लेने गया तो पुलिस वाले ने उनसे बात किया, बोले नहीं गुमशुदा नहीं है ही, और हमको जैसे मालूम चला है वो ड्यूटी भी कर, गुड़गांव का जो उद्योग मारुति उद्योग का अपना ऑफिस है उसके पते सेक्टर 18 में वो जाकर ड्यूटी भी कर, ऑफिस भी जा रहा है। अभी मैंने उसको, मैं वहाँ का जो द्वारका सेक्टर का थाना है वहाँ गया, तो कंप्लेन में काफी दिक्कत हुई, ले नहीं जाता पता नहीं, वो सब जगह मतलब मैनेज का कुछ रिलेटिव है जो कि पूरा मैनेज करके रखे हुए हैं, तो हम लोग कंप्लेन नहीं रहा था। हम लोग थाने में 2-2 दिन 3 दिन वहाँ बिताए हैं, बिताने के बाद एक दिन इसी तरह से बहुत बोलने पर उन्होंने रिक्वेस्ट करने पर कंप्लेन लॉक किया है, और लॉक करने के बाद और अभी तक कुछ एक्शन नहीं हुआ है, वो आराम से ड्यूटी कर रहा है, और हम लोग प्रताड़ित हैं। और इस मैं ये चाहता हूँ कि ये जो षड्यंत्र रचा है, ये आज षड्यंत्र रचा, उसको पता नहीं क्या सोच के शादी किया, उसको शादी नहीं करना चाहिए था, मेरी बेटी का लाइफ जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। हम चाहते हैं कि भविष्य में किसी भी लड़की का इस तरह जिंदगी बर्बाद नहीं करे, और उसको जो चूंकि हम लोग मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद किया है, तो उसको कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। पुलिस ने अभी कहा है कि आप महिला आयोग जाओ, वहाँ पे इसका जो प्रोसेस हो, प्रोसेस होने के बाद ही FIR होगा। तो अभी हम लोग महिला आयोग गए हैं, महिला आयोग में कंप्लेन लॉक किए हैं, अभी इसका फर्दर भी सुनवाई होना है, अब होगा उसके बाद फिर जब प्रोसेस होता है उसका, बोलता डायरेक्ट FIR नहीं होता उसका, इसके बाद FIR नहीं करता। सर अगर मान लेते हैं कि विपक्ष पार्टी मतलब जो भी लड़के वाले घर वाले आपने कभी बातचीत करने का या फिर ऐसे संपर्क किया कि भाई मैंने बहुत बार कोशिश किया, वो मेरे फोन ही नहीं उठाते, उनके पेरेंट्स नहीं फोन उठाते हैं, और लड़का भी फोन नहीं उठाता। मतलब इस पूरी रणनीति में क्या लगता है,
उनका भी प्लान है। इनके सोची संगीत साजिश के तहत उन्होंने ये शादी को किया है। शादी कर क्योंकि कोई भी व्यक्ति शादी के 20 दिन बाद ये नहीं बोलता कि मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। फादर बोलते हैं मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मेरी बेटी में क्या कमी है, इतना स्कॉलरशिप लेके पढ़ाई लिखाई की है, अच्छे आईटी इंजीनियरिंग की है, और इसके बाद शादी के समय तो उनको सब समझ आ गया था, शादी के बाद एक्सेप्ट क्यों नहीं करेंगे। सर अब फाइनल स्टेज पे आते हैं, मतलब आप लोग क्या देख रहे हैं, मतलब ध्यान देते हैं कि इलेक्शन होने के बाद और पुलिस कंप्लेंट होने के बाद अगर पार्टी है, अगर वो मतलब सलाहनुमा मतलब सोचते हैं भैया हम सलाह कर लें इस तरीके से कुछ मतलब नहीं आना है, मतलब आपका क्या कहना है। देखिए मुझे अभी जो परिस्थिति है, अभी तक मेरी बेटी बेटी ही रिश्ता चला रही थी, वो रिश्ता नहीं चला रहा, शादी के बाद से वो रिश्ता नहीं चला रहा। अभी ये स्थिति में लाके खड़ा कर दिया, मारता पीटता जो करता था वो घर छोड़ के भाग गया। अब हम अपने बेटे को किसके पास, किसको घर छोड़े। ये 7 तारीख को सुबह की घटना है, रात को मैं जमशेदपुर से टाटा आया हूँ और तब से बेटी के साथ हूँ और सब जगह जा जाकर कंप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ।